हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जिंदोब्रे, वेलकम टू रब टीवी। प्रेगनेंसी इट्स सच अ जॉयफुल जर्नी। वो फर्स्ट किक फील करना, वो खुद में एक नए लाइफ का एहसास, हर लेडी को अपनी लाइफ में इस फेज को फील करने का ड्रीम होता है। बट प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है जब हम लोग अपनी होम कंट्री से बहुत दूर होते हैं, फॉरेन में होते हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने चैलेंजेस फेस किए। मेरे जैसे और फॉरनर्स को भी शायद ऐसे ही चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे, चैलेंजेस रिलेटेड टू मेडिकल सिस्टम, लीगलाइजेशन, रेजिडेंस स्टेटस और लीव पॉलिसीज, बेबी बैग्स, प्रेगनेंसी क्लासेस एंड वैक्सीनेशंस। तो मैं आज इस वीडियो में उन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेडिकल सिस्टम के बारे में। इफ़ यू आर प्रेगनेंट और प्लानिंग फॉर इट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस लें। सम ऑफ द कंपनीज आई नो ऑफ आर लक्स मेड, एनल मेड एंड मेडिकवर। एज पर माई एक्सपीरियंसिस, सबके जो सर्विसेज हैं वो सेम होती हैं। इफ़ यू और योर स्पाउस इज़ वर्किंग हेयर, तो प्रोबेबली आपकी कंपनीज ही आपको ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा देंगी, और अगर नहीं है तो आप उसको पर्सनली भी ले सकते हैं। आई एम सजेस्टिंग दिस क्योंकि आपको हर महीने डॉक्टर्स को विजिट करना होता है, बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, तो उन सब के लिए सबसे बेस्ट है कि अगर आप एक गायनोकोलॉजिस्ट सेलेक्ट कर लें, उसी के पास जाएं, उसी के साथ कंफर्टेबल हो जाएं और आपकी हिस्ट्री भी उसको पता होगी। अनलाइक इंडिया, जिस गायनोकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं वो आपकी बेबी डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, उसके लिए आपको जाना होता है पब्लिक हॉस्पिटल्स में। और जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको एक ऐसा प्रेगनेंसी कार्ड बनाकर देंगे जिसके अंदर आपके सारे जो विजिट्स हैं उनका सारा डिटेल्स इसके अंदर मेंशन होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपको ये प्रेगनेंसी कार्ड, आपके सारे टेस्ट्स, आपके अल्ट्रासाउंड्स और पब्लिक इंश्योरेंस जिसे हम ZCNA बोलते हैं, उन सब का आपको एक ऐसे फाइल बनाना होता है और वो फाइल आपको लेकर जाना होता है, जिससे कि जो हॉस्पिटल वाले हैं उनको आपकी पूरी हिस्ट्री पता चल जाए। रिगार्डिंग हॉस्पिटल्स, यहाँ पे वर्सा में बहुत सारे पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, थोड़ा मैं जो जानती हूँ सेंट जोफिया, इन्फ्लांस का, बिलांस की एंड मैनी मोर। तो आपको एक हॉस्पिटल ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी चूज करना पड़ता है जहां आपको बेबी डिलीवर करना है। एंड इफ पॉसिबल ट्राई टू विजिट एटलीस्ट वंस। मेरे कुछ पॉलिश फ्रेंड्स ने मुझे सेंट जोफिया के लिए सजेस्ट किया था एंड आई पर्सनली फील वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इट्स ऑल्सो फेमस फॉर नॉर्मल डिलीवरी एज वेल, अनलेस यू हैव एनी कॉम्प्लिकेशंस। बेस्ड ऑन योर सिचुएशन एंड टाइप ऑफ डिलीवरी आपको हॉस्पिटल्स में 3 to 5 days तक रहना होता है, और वहाँ रहने के आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला होता है जनरल वार्ड, जहाँ आप एक साथ 2 to 5 ladies के साथ रहते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट इसमें जो विजिटिंग आवर्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है प्राइवेट रूम्स का, ये 500 PLN पर डे के अकॉर्डिंग होते हैं, और इसमें आपको अपने पार्टनर के साथ रहने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और यहाँ पे विजिटिंग आवर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। बट जो ये प्राइवेट रूम्स होते हैं ये बहुत लिमिटेड होते हैं हर हॉस्पिटल्स में। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो यहाँ के डिलीवरी रूम्स होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे, और जो डॉक्टर और मिडवाइव्स होती हैं बहुत पोलाइट एंड सपोर्टिव होती हैं। बट खाने का मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था क्योंकि खाने को अच्छा नहीं मिलता है यहाँ पे, बट फॉर्चुनेटली मेरा खाना घर से ही आ जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीव पॉलिसीज़ के बारे में। आई कैन से पोलैंड हैज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रेगनेंसी लीव पॉलिसीज़ इन वर्ल्ड, बट टू अवेल दैट यू हैव टू बी परमानेंट एम्प्लॉय हियर। तो इतनी लीव्स हैं कि मैं बताते बताते भी थक जाऊँगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सिक लीव की। यहाँ प्रेगनेंसी में अनलिमिटेड लीव्स मिलती हैं जो आप ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी कभी भी अवेल करवा सकते हैं टिल द टाइम ऑफ योर डिलीवरी, विच इज़ 100% पेड। और आफ्टर डिलीवरी आपको 52 वीक्स की लीव मिलती है, जो कि 2 parts में डिवाइड होती हैं, मैटरनिटी एंड पेरेंटल लीव। उसे आप 2 तरीके से अवेल करवा सकते हैं। सबसे पहली होती है आपको 20 वीक्स की मैटरनिटी लीव, जिसमें आपको 100% पे मिलती है। जो 32 वीक्स होते हैं वो पेरेंटल लीव के होते हैं, जिसमें 6 वीक्स की आपको 100% पे मिलती है, और रेस्ट 26 वीक्स की आपको 60% पे मिलती है। एंड इन सेकंड ऑप्शन आपके पास 52 वीक्स की लीव आप 1 go में ले सकते हैं विद 80% ऑफ सैलरी। जो ये पेरेंटल लीव होती है ये आप में से कोई भी पार्टनर अवेल करवा सकता है,
और ज़रूरी नहीं है कि ये आपको 52 वीक्स की ही लेनी है, आप 20 वीक्स की लीव फ्यूचर में ले सकते हैं जब तक आपका बेबी 6 इयर्स का ना हो जाए। और उसके ऊपर अगर आपको लगता है कि ये लीव्स इनफ नहीं है तो आप 2 इयर्स की चाइल्ड केयर लीव भी ले सकते हैं, बट इट्स अनपेड। और जो पैटर्निटी लीव है यहाँ पे वो 15 डेज़ की होती है और उसके अलावा 2 डेज़ की एक्स्ट्रा एडिशनल लीव मिलती है जो कि डॉक्यूमेंटेशन और अदर फॉर्मेलिटीज़ में यूज़ होती हैं। है ना अमेजिंग, कितनी सारी लीव्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेबी बैग के बारे में। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर कंट्रीज़, बट पोलैंड में जो बेबी बैग्स हैं वो इंडिया से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। जो मुझे एक लिस्ट मिली थी हॉस्पिटल से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें था कि फॉर यू आपको चाहिए कंफर्टेबल नाइट शर्ट, टी शर्ट फॉर लेबर, ड्रेसिंग गाउन, नर्सिंग ब्रा, 2 पैक्स ऑफ एडल्ट डिस्पोजेबल डायपर्स, टॉयलेट्रीज, 2 टॉवल्स, पेपर टॉवल्स, नॉन कार्बोनेटेड मिनरल वाटर, थिंग्स टू हेल्प यू रिलैक्स और पास द टाइम व्हेन इन हॉस्पिटल, 1 पैक ऑफ स्टैंडर्ड सैनिटरी पैड्स, एंड फॉर योर बेबी इट्स 5 न्यू बॉर्न वेस्ट्स और बेबी सूट्स, 3 स्लीप सूट्स और 3 रोम्पर्स, 10 म्यूसिलिन स्केयर्स एंड 1 पैक ऑफ डिस्पोजेबल नैपकिन्स, 2 कॉटन हैट्स, बेबी ब्लैंकेट और बेबी हॉर्न, टॉल, स्मॉल पिलो टू गिव यू एक्स्ट्रा सपोर्ट व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग। ये सब तो वो लिस्ट है जो मुझे हॉस्पिटल से मिली थी, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक मिल्क बॉटल, डायपर क्रीम और वाइप्स, जिससे कि आप अपने बेबी की आईज को क्लीन कर सकें, वो ज़रूर लेकर जाइएगा। मैं ट्राई करूंगी कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं बेस्ट बेबी प्रोडक्ट्स जो कि हमारे पोलैंड सुपरमार्केट्स में मिलते हैं उनके बारे में आपको बता सकूं। आपके रेफरेंस के लिए जो ये लिस्ट है ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगलाइजेशन के बारे में। अगर आप या आपके पार्टनर पॉलिश सिटीजन हैं तो एनी हाउ आपके बेबी को पॉलिश सिटीजनशिप मिल जाएगी, और अगर नहीं है तो आपके पास या तो TRC होगी या नेशनल वीज़ा होगा, तो आपके बेबी को भी वही सेम स्टेटस मिल जाएगा और उतनी ही वैलिडिटी जितनी आपके पास है। उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। इस डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने बेबी के लिए प्रिपेयर करवाने पड़ेंगे, जो कि है बर्थ सर्टिफिकेट, पेसल, पासपोर्ट, इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट, TRC एंड प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस। और जो डॉक्यूमेंट्स के प्रोसीजर अगर आपको जानने हैं कि कैसे बनते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीनेशंस की। एट द टाइम ऑफ बर्थ आपके बेबी को 2 वैक्सीनेशंस हॉस्पिटल में ही लग जाते हैं। उसके बाद आपको अपने बेबी के लिए एक प्राइवेट मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेना होगा और एक पीडियाट्रिशियन चूज करना होगा। इफ़ योर बेबी इज़ हेल्दी तो आफ्टर 1 मंथ आपको उसके नेक्स्ट वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास जाना होगा और फिर डॉक्टर उसके बाकी वैक्सीनेशन शेड्यूल्स आपको बता देगा। आप ये वैक्सीनेशंस पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी करवा सकते हैं, बट जितना मुझे पता चला और मेरे एक्सपीरियंस से पब्लिक हॉस्पिटल्स में वेटिंग बहुत होती है और दूसरा वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ वैक्सीनेशंस होंगी वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं जितनी प्राइवेट के पास होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेगनेंसी क्लासेस की। ये एक ऑप्शनल स्टेप है इफ़ यू वॉन्ट। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी आफ्टर 30 वीक्स और बिफोर 35 वीक्स आप लोग ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिश में ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं हर हॉस्पिटल्स में, बट इंग्लिश के लिए आपको 300-500 PLN पर सेशन पे करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये क्लासेस देते हैं, जो आपको ट्रेन करते हैं कि आपको बेबी बर्थ कैसे देना है, उसकी रिहर्सल होती है और योगा वगैरह होती है। इट्स अप टू यू। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक एंड एंजॉय माई वीडियो। इफ़ यू डिड, गिव मी अ थम्स अप एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।